Good morning, students. In this video, we will study about the preference share. In our previous video, हमने equity shares के बारे में पढ़ा था. हमारे इसके दो classes, दो lecture गए थे. Equity shares हम पढ़ चुके हैं, उसका concept क्या होता है और जो हमारे shares हैं equity shares, उसकी advantage for the investors or the company, उसकी हमने limitations भी देख ली थी for the investors for the company. अब हमारे पास क्या है, preference share का एक topic है. मीन share के हम types हमने देखे थे कि शेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी और होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं. मैंने उसी टाइम पर आपको इसका मीनिंग बताया था कि प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जहां पर जिन पर्टिकुलर शेयर होल्डर को हम कुछ क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. इन शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रेफरेंस दे दी जाती है, उसी वजह से इनका नाम क्या हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर हो जाता है. और इक्विटी वालों का नाम इक्विटी क्यों होता है, क्योंकि उनके साथ सबके साथ एक जैसा डील की जाती है, उनके बीच में किसी तरह का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता. So that's why we call them equity and we call them preference. अब यहाँ पर क्या है, दो मेन चीजें, इनको क्या प्रेफरेंस दी जाती है, वो चीजें बहुत अच्छे से अलग कर लीजिएगा. मीन्स एक तो यहाँ पर क्या है कि इनको डिविडेंड में प्रायोरिटी दी जाती है, डिविडेंड में प्रायोरिटी दी जाती है. और दूसरी चीज, इनको प्रेफर किया जाता है जब इनको इनकी कैपिटल वापस करनी हो, एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिपेमेंट, कैपिटल के रीपेमेंट पर. ये दो मेन चीजें इसमें, इसी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने आप को यूनिक समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं. डिविडेंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको जो डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड देना उनको कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं. डिविडेंड दिया प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा डिविडेंड, चाहे इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी. इक्विटी वालों से पहले पेमेंट किसे किया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी कंडीशन में हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट की थी कि आप पहले हमारा पेमेंट करोगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दो मत दो. सारा लोस कौन बियर करते हैं, इक्विटी वाले बियर करते हैं, वो हम उसकी लिमिटेशंस में पढ़ चुके हैं. ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, कैपिटल रीपेमेंट. उनको दूसरी जो फैसिलिटी मिलती है वो किसे मिलती है, कैपिटल के रीपेमेंट में मिलती है. मीन्स जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सबको सबके पैसे वापस किए जाते हैं. जितनी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज थी सबको पेमेंट किया जाएगा, जहां से लोन लिया हुआ है सब लोन का पेमेंट किया जाएगा. हमें अपनी सारी फिक्स असेट सेल करते हैं, फिक्स असेट सेल करके हम क्या करेंगे, मार्केट में जो भी सारा रिवेल्यूशन है उन सबको रिवेल्यूशन का असेस करने के बाद बाहर वालों के पैसे दिए जाएंगे. डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो हमारे क्रिएटर्स होते हैं, उनको हमें पेमेंट करना होगा, बाहर के आउटसाइडर्स हैं वो लोग. उसके बाद हम किसका पेमेंट करें, इक्विटी और प्रेफरेंस में से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों की कैपिटल वापस की जाती है. अगर किसी ने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखे हैं तो उसे 1 लाख रुपए उसके वापस कर दिए जाएंगे, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी. किसी ने 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखे थे आपकी कंपनी में, तो उसे 50 लाख रुपीज उसके हिस्से के वापस कर दिए जाएंगे. ये चीज है, मीन्स इक्विटी वालों से पहले इन्हें प्रेफर किया जाता है, दो कंडीशन में, जब कैपिटल वापस की जाती है और जब डिविडेंड दिया जाता है. यही दो प्रेफरेंस है इनके पास, इसी की वजह से ये रियल ओनर नहीं है कंपनी के. क्यों? क्योंकि ये लोग लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते. ओनर है बट नॉट द रियल ओनर. ठीक, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के. उसमें से जो सबसे पहला टाइप है वो के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की है, एक हमारे टाइप की शेयर होल्डर होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टेबल जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, एक ऐसे शेयर होल्डर जो पर्टिकुलर फिक्स पीरियड बाद उन्हें ऐसा, अगर ऐसा लगता है कंपनी में कि हमारी जो कंपनी है प्रॉफिटियरिंग कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं. बेटर जस्ट वेट फॉर अ मिनट. चलिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हम क्या बात कर रहे थे, जैसे सपोज करो मैंने एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट की, ठीक, और मुझे वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल लोगों ने मनी इन्वेस्ट किए हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग कंपनी है, ठीक, और वो मतलब कई सालों से प्रॉफिट अर्न कर रही कंपनी, तो
तो इन दैट केस मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं इस कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको तो 80% डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर, तो हम भी है तो हमें भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो हमारी रेट फिक्स क्यों है? इनकी रेट क्या होती है? फिक्स हो जाती है, प्रेफरेंस वालों की रेट फिक्स हो जाती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है हम नई कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नुकसान में चली गई कंपनी तो हम लॉस नहीं लेंगे, हमें तो 10% से डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। तो ना दो बार मना कर दो कि हमने दे रहे साल डिविडेंड, फिर मना भी कर सकते हैं वो कि कंपनी पैसे नहीं है, वो लोग मना भी कर देते हैं। तो इसलिए इनकी स्टार्टिंग में रेट फिक्स हो गई 20% डिविडेंड की प्रेफरेंस वालों की, और इक्विटी वालों को कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही, कंपनी को पैसा मिलने लगा, तो कंपनी क्या कर रही है, अपने इक्विटी वालों को 80% 60% 50% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। उस टाइम पर प्रेफरेंस वालों को ऐसा लगता है जब प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी तो क्यों ना हम भी प्रेफरेंस से इक्विटी में आ जाए, ठीक है। तो इनके पास एक ऑप्शन होता है, शेयर होल्डर के पास, इनके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम अपने शेयर्स को कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड बाद इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेयरिंग है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, और मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट कर दूं, तो वो अपने आप को प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, दे हैव ऑप्शन। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, आपको फिर वही वाले शेयर परचेज करने पड़ेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें आप एक फिक्स टाइम पीरियड बाद इक्विटी में चेंज करा सको। और अगर नहीं चाहते चेंज कराना तो कोई बात नहीं, आप सिंपल वाले प्रेफरेंस शेयर भी परचेज कर सकते हैं, ठीक। दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें आप कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करा सकते, सही। इसके जस्ट अपोजिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं आपके कम्युनिटी टाइप के प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिटी मीन्स जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सम, एक तरीके से पुराना जितना भी हमारा कॉम्युलेटिव है सम, वो सब हमें मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी को रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, जैसे लास्ट टू ईयर से जो प्रॉफिट नहीं हुआ था, इस साल प्रॉफिट अच्छा हो गया, ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न हो गया, तो जिस साल प्रॉफिट नहीं उस साल तो कोई डिविडेंड नहीं देंगे, जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम एक ऐसी कंपनी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एबीसी लिमिटेड है, उसे 4 साल से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और 5वें साल उसे एकदम सुपर प्रॉफिट हुआ, उसने नया बिजनेस प्लान एक्सपेंशन किया, मार्केट में इम्प्लीमेंट किया, और जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। उसके पास कुछ जो शेयर होल्डर थे प्रेफरेंस के अंदर, वो किस टाइप के थे, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक, उनके कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी कुछ मार्केट में इशू थे। तो जिनके पास भी कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, उन्हें पिछले सालों का यानी लास्ट 4 ईयर्स से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, कंपनी को रेगुलर लॉस हो रहा था, इस साल कंपनी को सुपर प्रॉफिट है, तो कंपनी उनको उनका डिविडेंड वापस करेगी पिछले सालों का भी, समझ में आई बात। यानी लास्ट 4 ईयर से कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो कंपनी जो हमारी कंपनी के अंदर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे, उन शेयर होल्डर को इस साल का तो डिविडेंड देगी देगी, साथ में बाकी सबका डिविडेंड देने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो अपने कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो लास्ट 4 ईयर्स का भी उनके हिस्से का डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस टाइप के शेयर होल्डर को हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के लॉसेस का भी क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, जब प्रॉफिटेयरिंग आपका ईयर होता है। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, अब इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, मीन जिनको लॉस के टाइम का डिविडेंड नहीं मिलता, जैसे प्रीवियस 4 ईयर्स में हमें जो है नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो अब हमें सुपर प्रॉफिट हो गया, तो अब हम इनको कोई डिविडेंड नहीं देंगे पुराने साल का, बस करंट ईयर का देंगे, जो भी हमारी रेट फिक्स हुई है। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसके भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, पार्टिसिपेटिंग मीन्स एक ऐसे शेयर होल्डर हमारी कंपनी में जो हमारी कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हु हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसके जस्ट अपोजिट कौन से वाले हैं, दूसरे वाले हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स दैट कौन से शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर जिन्हें कंपनी के मैनेजरियल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक लास्ट
टू और हैं, एक है इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मीन्स आप इस वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे 12th में जब जाएंगे, बट यहाँ पर हम कंसेप्ट इसका समझ रहे हैं क्या है। रिडीमेबल मीन्स जिसको हम रिडीम करा दें, जिसका रीपेमेंट हो जाए, जिसका रीपेमेंट हो जाए। ऐसे शेयर होल्डर जिनकी कैपिटल का पेमेंट हम कंपनी के लाइफ टाइम में ही कर देते हैं। कंपनी अभी हमारी चल रही है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही जिसका पेमेंट हम कर देते हैं वापस, ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं कि हमारी कंपनी की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। जैसे हमारी कंपनी तो वही लाइफ टाइम के लिए खोल दी, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कब बंद करेंगे। जब कभी लॉस की कंडीशन आएगी, वाइंडिंग अप का टाइम ऑटोमेटिकली आ रहा है, कोर्ट में केस गया, कोर्ट वालों ने मजबूर कर दिया, भाई लीगल नोटिस आ गया, अब इस कंपनी को बंद करो, कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही कई सालों से, वो बात अलग है। बट अभी हमने नहीं सोचा हम कंपनी कब बंद करेंगे, और हमने जो है अपनी कंपनी के शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, हमने 2 साल के लिए इशू किए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, किसी टाइम के लिए भी इशू हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों हैं। तो हमने जो है आपने जो शेयर इशू किए हैं 15 साल के इशू किए, जिन शेयर्स का पेमेंट उसकी मैच्योरिटी पर आफ्टर 15 ईयर्स हो जाएगा, उनको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी कंपनी अपने जो लाइफ साइकिल है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कर रही है, इन शेयर्स का पेमेंट कर रही है। दूसरे कौन से हैं? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल कौन से हो गए आपके शेयर्स, जिसका पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती। जब कंपनी के वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, कितने भी साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद, 100 साल बाद, चाहे कंपनी का भी वाइंडिंग अप ना हो, तो उनका पेमेंट नहीं होगा। नॉन रिडीमेबल मीन्स जिसका रीपेमेंट नहीं किया जाएगा। ये हमारे टाइप्स हो गए। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे फॉर द इन्वेस्टर, फॉर द कंपनी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। सम एडवांटेजेस फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास। तो उसमें 4 मेन इंपोर्टेंस दी गई है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला इनका बेनिफिट उनको कि वहां पर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी कंपनी मनी अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो बेनिफिट मिलता है वो रेगुलर इनकम का मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जहां कहीं भी प्रेफरेंस शेयर लिखा होता है उसके आगे उसकी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दी जाती है, जो डिविडेंड रेट होती है इसकी वो फिक्स कर दी जाती है। जैसे हमने मान लिया 20% है, मैंने जिस कंपनी में मनी इन्वेस्ट किया है वहां पे 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाएगा, चाहे प्रॉफिट कम है या फिर ज्यादा। लॉस की कंडीशन अलग है, लॉस की कंडीशन अलग है, बट इन द केस ऑफ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, प्रॉफिट कम होता है तो डिविडेंड कम दे देते हैं। बट मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो मैं इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे जो है हमेशा 20% से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो ये मुझे सबसे बड़ा फायदा है किसी भी कंपनी में ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी इन्वेस्ट करने का, कि मुझे वहां से क्या मिलती रहेगी, रेगुलर इनकम मिलती रहेगी मुझे। कंपनी तो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस की कंडीशन तो बहुत कभी होती है, वैसे भी कोई कंपनी लॉस में जब जाती है तो वो बंद ही हो जाती है। 1 साल काटना बहुत बड़ी बात है लॉस में, वो सारे पैसे सारी कैपिटल खुद की लगाना। तो मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया प्रॉफिटियरिंग कंपनी है, और हम क्या कर रहे हैं उस प्रॉफिटियरिंग कंपनी में मुझे वहां से रेगुलर इनकम मिल रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंस क्या है, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मीन्स वही वाइंडिंग अप के टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब कंपनी के वाइंडिंग अप का टाइम आता है, जब हम अपनी सारी असेट्स को सेल करके सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, डिबेंचर्स का, लोन्स का, सारी बाहर की जितने भी हमारे आउटसाइडर्स हैं, हम उन सबका पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनकी जो कैपिटल है वो इनको क्या कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, और कैपिटल भी रिटर्न करने में इनको उसमें क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मीनिंग में, कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड के टाइम पर प्रायोरिटी दी जाती है और कैपिटल के टाइम पर प्रायोरिटी दी जाती है, तो लिक्विडेशन के टाइम पर इनको क्या दी जा रही, प्रेफरेंस दी जा रही है। किसमें बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, कि कैपिटल के रीपेमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है, वही पॉइंट है सेम। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज
participating in extra profit. जब कंपनी में सुपर प्रॉफिट होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो इन दैट केस क्या कंडीशन है वहां पर कि सब पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट के केस में, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया गया डिविडेंड. उसके बाद प्रेफरेंस के बाद इक्विटी वालों को डिवाइड कर दिया हमने. उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है कंपनी में, ठीक, तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिवाइड कर देते हैं दोबारा से. बिल्कुल ऐसा है जैसे कॉम्युनिटिव टाइप के हुए, या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब इक्विटी को देने के बाद भी जब हमारी कंपनी प्रॉफिट बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, प्रेफरेंस वाले भी ऑनर है कंपनी के, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सपोज करो तुमने उन्हें तो डिक्लेयर कर दिया 60% से डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को 20% से दिया गया, प्रॉफिट तो अभी भी कंपनी बच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 10% प्रॉफिट और दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. ये यहाँ पर जो पॉइंट कहा गया है किसके लिए बोला गया है, पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इनको दिया जा सकता है. नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो कौन सा है, वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रिजोल्यूशन. जो भी इनसे रिलेटेड रिजोल्यूशन होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड, कंपनी में रूल्स रेगुलेशन हैं, उनमें इनको पर्टिकुलर एक एक पर्सन को वोट देने का राइट होता है, तो वोटिंग राइट्स भी इनके पास होता है. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का राइट है, इनके पास वोटिंग राइट होता है. आप हमें इसकी कुछ एडवांटेजेस, कंपनी के लिए कुछ एडवांटेजेस और देखेंगे यहाँ पर. चलिए बेटा पॉइंट्स देखते हैं, एडवांटेजेस फॉर द कंपनी. किसी भी कंपनी को जब वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी को क्या उसके बेनिफिट्स हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करने के, कंपनी के लिए बेनिफिट. फर्स्ट पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस मैनेजमेंट. आपने शेयर भी इशू कर दिए और मैनेजमेंट में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं. जबकि अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है, वो लोग कंपनी के रियल ओनर बन जाते हैं और कंपनी के मैनेजरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो. तो इससे अच्छा क्या है, हम शेयर भी इशू करें, ऑनर भी रहे कंपनी की और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी ना मिले. सबसे बड़ा कंपनी को फायदा यही होता है प्रेफरेंस शेयर इशू करने का कि जितने भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में, उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज में, मैनेजरियल अफेयर्स में, इंटरनल एक्टिविटीज में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर करें. किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता है. नेक्स्ट इज बर्डन ऑन कंपनी प्लस, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कंपनी पर कम बर्डन होता है. कम बर्डन कैसे, हमने जो है 20% ये सोचा है कि हम 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, डिविडेंड कितने परसेंट दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, तो प्रॉफिट का केवल और केवल 20% पार्ट डिवाइड करना है. इनको कितना देना है, 20% डिविडेंड देना है, बाकी जितना भी प्रॉफिट है वह सब हम किसको दें, इक्विटी शेयर होल्डर को दें, उनको ना दें, उनके साथ तो कोई कंडीशन फिक्स ही नहीं है. इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ना दें उनको 80%, उनको हम 10% ही दे दें इस बार, कोई कंडीशन उनके साथ फिक्स नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि उनको 80% दिया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है उनको 10% दिया जा रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि नहीं दिया जा रहा, ठीक. बट इनके साथ क्या है, हमने पहले ही कंडीशन फिक्स कर ली कि आपको 20% ही देंगे, इससे ना तो ज्यादा ना कम, तो कंपनी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है जब फिक्स रेट से हमारे पास फिक्स है. तो बर्डन ऑन कंपनी लेस, कंपनी में जो बर्डन होता है पेमेंट करने का वो कम होता है. दूसरा नो नीड ऑफ मॉर्गेज. प्रेफरेंस शेयर में भी हमें अपनी कंपनी की कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. जैसे बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, अगर हम 1 करोड़ रुपए का इसकी जगह प्रेफरेंस शेयर की जगह, तो अपनी कोई ना कोई चीज हमें मॉर्गेज पे रखनी पड़ती, जबकि हमने क्या करा, 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए. हम ओनर बनाना नहीं चाहते और इक्विटी शेयर हम इशू नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए. प्रेफरेंस शेयर इशू करने का बीच का एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमें कोई चीज मॉर्गेज पे रखने की भी जरूरत नहीं. अगर हम डिबेंचर भी इशू करते ना बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिबेंचर का, तो भी हो सकता है कि हमें वहां पे मॉर्गेज की जरूरत पड़ती, अपनी कोई चीज वहां पर उन्हें मॉर्गेज पर रखनी पड़ती. जबकि इक्विटी और डिबेंचर्स के बीच का रास्ता है प्रेफरेंस. ओनर भी नहीं बनाए हमने रियल ओनर कंपनी के, जो मैनेजरल एक्टिविटीज में इंटरफेयर करें, और दूसरी चीज हमने कोई चीज मॉर्गेज पे भी नहीं रखी, बीच का रास्ता निकाल लिया प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें कोई भी अपनी कंपनी की असेट मॉर्गेज पर नहीं रखनी पड़ती, तो नो नीड ऑफ मॉर्गेज. रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कैपिटल, यहाँ पर क्या है कि इनकी जो कैपिटल है उस पर्टिकुलर कैपिटल की हमें क्या मिलती है, रिसीप्ट मिलती है, ठीक है.
जो भी हम कैपिटल उनका पेमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग मैंने आपको अपनी कंपनी में कल बता दिया था कि क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स दैट आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म सोर्सेज का रेशियो। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज इन द कंपनी। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से, बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और रिटेन्ड अर्निंग। ये चारों क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। इन चारों के प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारी कंपनी में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हमारी कंपनी में जो कैपिटल है, बिजनेस फाइनेंस, हमने उसके फीचर में पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस की नीड हमें कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक। अगर हम अपनी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो जब पैसों की जरूरत है उतने टाइम के लिए इशू कर लो प्रेफरेंस शेयर, 5 साल के लिए। जब पैसों की नीड नहीं है तो उनके पैसे उन्हें वापस कर दो, रिपेमेंट हो जाता है ना कैपिटल का। हमने 5 साल के लिए इशू किए थे, 5 साल बाद उनको रिडेम्पशन कर दो। रिडेम्पशन मीन्स उनका रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, वापस कर दो अपने शेयर अपनी कंपनी में वापस आ जाएंगे। तो ये वाला एक तरीका है प्रेफरेंस शेयर से। हमारा जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल बना रहता है, जबकि इक्विटी में ये डिसएडवांटेज है। इक्विटी का तो रिपेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में भी नहीं करती, एक बार शेयर इशू हो गए तो हमेशा के लिए इशू हो गए, हमेशा के लिए ओनर बन गए वो कंपनी के, वापस नहीं आ सकते। इक्विटी शेयर अगर हमारी कंपनी में सारे होंगे तो हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, हम उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाते। बट फाइनेंस की नीड हमें कैसी पड़ती, फ्लेक्सिबल होती है। कभी ज्यादा फाइनेंस की नीड हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी पैसे की जरूरत है कभी नहीं है। तो इन दैट केस जब हमें लग रहा है ये 5 साल हमारे लिए थोड़े क्रिटिकल है, हमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हम बिजनेस एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो हमें पैसे ज्यादा चाहिए, तो इन दैट केस हम 5 ईयर्स के लिए क्या इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो। अच्छा तरीका है, आफ्टर 5 ईयर्स जब आप एडजस्ट हो जाओगे, आपके बिजनेस एक्सपेंशन हो जाएगा तो उनका पेमेंट कर देना। ये एक तरीका, इससे क्या हो जाता है हमारी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल बनता है फॉर यूजिंग द प्रेफरेंस शेयर। आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमने प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट, उसके टाइप्स, एडवांटेजेस देख लिए हैं। कल हम इसके लिमिटेशंस पे डिस्कस करेंगे। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।